आज का मेरा ब्लॉग होने वाला ठट्टा और मकली का। तो ठट्टा और मकली जाएंगे, वहाँ की सैर करवाऊँ आपको पूरा। घूमने मेरे जंक्शन आएगी ये बस है, आगे से तो ट्रक लग रहा है, वहाँ पीछे से बस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक और व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं मौजूद हूँ जंगशाही रेलवे स्टेशन पर। और जंगशाही रेलवे स्टेशन किसी को भी मालूम नहीं हुआ क्या है, एक रेलवे स्टेशन है जो कि डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की हदूद में मौजूद है। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा हो पहले वो जाकर व्लॉग देखें। मैं कराची से ठट्टा के लिए जंगशाही रेलवे स्टेशन आया था ट्रेन पर, और अब मैं जंगशाही रेलवे स्टेशन से बजरिया बस, एक ट्रक वाली बस है, आगे से ट्रक की शक्ल होगी और पीछे बस होगी, तो आई थिंक मुझे वो बाहर मिले। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ जंगशाही रेलवे स्टेशन से, और जाऊँगा। आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है ठट्टा और मकली का। तो ठट्टा और मकली जाएंगे, वहाँ की सैर करवाऊँगा आपको पूरा, घुमाएँगे। आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और अच्छे अच्छे अगर खाने मिले तो खाने भी खाएँगे, क्योंकि ईट एंड ट्रैवल ब्लॉग चैनल का नाम है, तो ईट क्यों ना हुआ है। तो आज का व्लॉग ज़बरदस्त होने वाला है। तो चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब अभी चलते हैं बाहर और आपसे फिर बाहर मिलता हूँ। मैं जंगशाही बाज़ार पे आ गया हूँ रेलवे स्टेशन को छोड़कर, और आप सामने देख रहे हैं मेरे जंगशाही की बस है, आगे से तो ट्रक लग रहा है, वहाँ पीछे से बस है। ये रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये कुछ बाज़ार है जंगशाही का। आप सिंधी भाई रहते हैं यहाँ, हमारे सिंध के रहने वाले हैं सिंधी मेहमान, और ये जंगशाही की बस। तो इस पर हम जाएंगे आज मकली और ठट्टा। पहले मैं सोच रहा हूँ मकली जाऊँ, क्योंकि मकली पहले आता है फिर ठट्टा आता है। तो साथ में ट्रेन भी आई है, आवाज़ आई है, तो चलें अंदर चलते हैं। थोड़े बस के मनाजिर आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये अंदर जाने का इसका रास्ता है बस का। ये कुछ मनाजिर हैं बस का, थोड़ी हालत बुरी हुई थी मगर गुजारा है। इसी तरह की बसें होती हैं सिंध में, सिर्फ जंगशाही में। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ है। आज का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है जंगशाही से मकली का। पहले हम मकली जाएंगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं पहुंच चुका हूँ मकली कब्रिस्तान। तकरीबन एक घंटा लगा है, 10:30 से 11:30 बज रहे हैं अभी, टाइम हो रहा है, तो 11:20 हो रहे हैं। और चलें अंदर चलते हैं, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ अब। ये मकली कब्रिस्तान है जो कि ठट्टा के करीब है, और 400 साल कदीमी कब्रिस्तान, समझ लें एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, 400 साल पुराना। देखें हर तरफ। अब मैं आपको यहाँ कब्रें दिखाने लगा हूँ, कैसी यहाँ की कब्रें वो दिखाता हूँ मैं आपको, किस तरह की बनी है, कितनी पुरानी है। देखें ये, देखें ये आम कब्रिस्तान नहीं, ये एक बहुत पुराना कदीमी कब्रिस्तान है। ये चेक कर रहे हैं जहाँ जहाँ पत्थर रखा हुआ है, इस तरह का एक कब्र है पूरा, इस बहुत कब्रें इधर। और सामने कितनी अच्छा डिज़ाइन का बना हुआ है, मगर इसका जो तरक्याती काम है कहते हैं वो होता नहीं है, जो कि मरम्मत वगैरह होती है अपना वो करनी चाहिए। साथ साथ एक और कवर चेक करें आप, नाजरीन ये बहुत अच्छी जगह है, 400 साल पुराना कदीमी कब्रिस्तान मकली का।
बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ कर जा, और गर्मी भी नहीं लग रही, बड़ी हैरत की बात है। ठंडी हवा चल रही है और पीछे आप देख रहे हैं मेरे एक और गुंबद है, और साथ साथ एक और सामने ये मज़ार टाइप का, मगर ये बंद है। अगर ये खुला होता तो बहुत अच्छा लगता, आपको दिखाता चलूँ। सामने छोटा दरवाज़ा लकड़ी का लगा हुआ है, अगर ये खुला हुआ होता ना तो बड़ा अच्छा लगता। ये कुछ लिखा हुआ भी है, दीवान शरफा खान मकली। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, नज़ारे बहुत अच्छे माशाल्लाह। देखते हैं अगर कहीं से रास्ता मिलता है अंदर जाने का। यहाँ की कब्रें आप देखें किस तरह की हैं, पक्की कब्रें और ऊपर नक्शों निगारी हुई हुई है, जैसे कुछ कपड़ों पर कढ़ाई वगैरह करते हैं, इस तरह का हुआ है काम कब्रों पर ना यहाँ पर। ये देखें थोड़ा और आगे आके मैंने एक और जगह देखी, ये एक और जगह है जिनमें जिसमें दो कब्रें और हैं। ये भी कोई उस जमाने के बुज़ुर्ग होंगे जिनके लिए ये जगह मुख्तस की गई है इस कब्रिस्तान में। देखें ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, मुझे दूर दूर तक कब्रिस्तान दिख रहा है, मगर ये पूरा घूम नहीं सकते पैदल, ये रास्ता बनाया हुआ है ये बाइक वाइक के लिए, अगर बाइक हो बाइक पे बंदा घूमे पूरा। बाकी चलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि काफ़ी मैं अंदर आ चुका हूँ। ये देखें आप ये डिज़ाइन देखें कैसे बनाए गए हैं दीवारों पर, बड़ा मुश्किल काम है ये देखें। एक और खूबसूरत मनाजिर दिखा रहा हूँ आपको, सामने एक ये छोटा सा मज़ार है और साथ में एक रोड चल रहा है जो ठट्टा की तरह मेरे ख्याल से जा रहा है, अभी हम ठट्टा जाएंगे इसी पर इसी से। और सामने वही एक झील टाइप की है, और देखें ये है मकड़ी का कब्रिस्तान, साथ में सब जुड़े हुए हैं पास पास में, बहुत ही अच्छे मनाजिर। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये चेक करते हैं अगर खुला हुआ है इसके अंदर, थोड़ा हाज़िरी दे देते हैं अपनी। यहाँ से देखें चढ़ने की जगह बनाई हुई माशाल्लाह, नक्शे आदि देखें पहले। ये भी बंद है, कांच का दरवाज़ा लगा हुआ है ताकि लोग आसानी से अंदर की जो मनाज़िर है वो देख सकें। ये अभी हमारे साथ एक अंकल हैं जो कि कब्रिस्तान में पानी वगैरह सप्लाई करते हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं मगर हैं थोड़ा ज़बान से बोल नहीं सकते, तो ये यही कह रहे हैं बहुत अच्छा कब्रिस्तान है, 400 साल पुराना कब्रिस्तान है अंकल। हाँ बहुत बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल। अगर किसी को कुछ पानी वगैरह चाहिए हो, पानी वगैरह चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए हो तो वो अंदर मेन गेट से जैसे दाखिल हुआ सामने अंकल का स्टॉल लगा हुआ है, कूलर में ठंडा ठंडा पानी और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी दस्तियाब है अंकल के पास। अभी बाहर चलते हैं, बाहर कुछ मकली वगैरह के कुछ होटल वगैरह देखते हैं, रेस्टोरेंट देखते हैं, वहाँ कुछ खाना वाना खाते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। सुबह नाश्ता भी जैसे आपने अगर पिछला व्लॉग देखा हो मैंने चाय बिस्किट ही किया था, अब वो नाश्ता या खाना वगैरह करते हैं। ये आ गया आज का हमारा खाना मकली कब्रिस्तान के सामने, एक होटल है ढाबा टाइप का वहाँ से, साथ में नान है लाल आटे के, लाल रोटी जिसको कहते हैं, और ये है मुर्गी का सालन चिकन का, यहाँ मुर्गी कहते हैं मुर्गी का सालन, तो चेक करते हैं, और साथ में थोड़ी सैलेड भी है। ये रायका ढाबे वाला चले खाने खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। सो व्यूअर्स आज का मेरा व्लॉग था जिसमें मैं जंग शाही से मकली आया, और आपको पूरे कब्रिस्तान पूरा तो नहीं, इतना बड़ा कब्रिस्तान है मैं कहता हूँ कोई भी विज़िट नहीं करा सकता अगर बाइक ना हो उसके पास,
मैं तो पैदल हूँ, फिर भी आपको विज़िट कराया, यहाँ की खूबसूरती दिखाई, कैसा कदीमी कब्रिस्तान बना हुआ है एशिया का। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा ही कब्रिस्तान है, 400 साल पुराना कब्रिस्तान है ये, और आपको ये दिखाया, ग्रेवयार्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में, अगर कोई अंग्रेज़ी वीडियो देख रहा है मेरी तो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को मेरे शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी फैमिली साथ आएँ इधर और इन्जॉय करें। अगर मना होता है वैसे लेडीज़ का कब्रिस्तान में आना, तो आएँ लड़के आएँ, इन्जॉय करें आकर और अपनी हाज़िरी लगाएँ इस पुराने कब्रिस्तान, 400 साल पुराने कब्रिस्तान पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।